स्विस बैंक सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? आप में से ऐसे कई लोग हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले आया होगा काला धन। जी हाँ, ये वही स्विस बैंक है जिसके बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है, क्योंकि स्विस बैंक को दुनिया भर के तानाशाहों, भ्रष्ट राजनेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। अब सवाल है कि आखिर स्विस बैंक अरबपतियों को इतना आकर्षित क्यों करता है? तो चलिए इस वीडियो में हम बताएंगे सब कुछ, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि स्विस बैंक आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। स्विट्जरलैंड में पहले बैंक की स्थापना 1713 में हुई थी। फिलहाल स्विट्जरलैंड में करीब 400 से ज्यादा बैंक वर्किंग है। ये तमाम बैंक स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट के प्राइवेसी लॉ के सेक्शन 47 के तहत बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार रखते हैं। लेकिन हम जिस स्विस बैंक की चर्चा करते हैं वो दरअसल UBS है, जिसे पूरी दुनिया में स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉर्पोरेशन के विलय के बाद हुई थी। ये विश्व की टॉप 3 बैंक में से एक है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक और बसेल में है। UBS यानी स्विस बैंक भी वही काम करती है जो दूसरे बैंक काम करते हैं। सिर्फ इन बैंकों के नियम और काम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। स्विट्जरलैंड के बैंक 1713 से चले आ रहे हैं। ये बैंक सीक्रेसी के कानून का सख्ती से पालन करते थे। इसके मुताबिक अगर किसी ने स्विट्जरलैंड में कोई अपराध नहीं किया है तो उसके बारे में बैंक कोई भी जानकारी शेयर नहीं करता है, यहाँ तक कि स्विस सरकार के साथ भी नहीं। साल 2017 में विश्व समुदाय ने स्विट्जरलैंड पर दबाव बनाया और इस कानून को ढीला कराया। अब अग्रीमेंट करने का सिस्टम बन गया है। स्विट्जरलैंड का जिन देशों के साथ अग्रीमेंट है उनके साथ वो सारी जानकारी साझा करते हैं। स्विस बैंक को काले धन का स्वर्ग कहा जाता है। आपके मन में सवाल आएगा कि जब देशों की सरकार को इसका पता है फिर भी वो कुछ क्यों नहीं कर पाती है? इसका जवाब है यहाँ का सीक्रेसी कोड। स्विस बैंक के नंबर अकाउंट को सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। नंबर्स अकाउंट किस व्यक्ति का है इसका पता बैंक के आम कर्मचारियों को भी नहीं होता। बैंक अकाउंट होल्डर को एक 4 डिजिट का नंबर और आगे अपने मन का नाम अलॉट कर देता है। उसका असली बैंक अकाउंट नंबर और नाम बैंक के पास गोपनीय रहेगा। हालांकि बैंक के अलावा अधिकारी इस नाम का पता लगा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि UBS की वेबसाइट के मुताबिक इसका मिनिमम बैलेंस $1,00,000 यानी ₹75,00,000 के आसपास होता है। अकाउंट पर $300 या तकरीबन ₹22,000 का मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, यानी ब्याज तो भूल जाइए, आपको अकाउंट रखने के लिए $300 देने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम लॉकर का चार्ज देते हैं। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्विस बैंकों में जमा होने वाले भारतीयों के काले धन पर तगड़ा प्रहार हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा जमा धन 2023 में 70% की तेज गिरावट के साथ 4 साल के निचले स्तर 1.4 अरब स्विस फ्रैंक पर आ गया है। मोदी सरकार की ब्लैक मनी के खिलाफ तैयार सख्त नीतियों को इस गिरावट की वजह माना जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए आर भारत के साथ।